यस बच्चों, है ना। तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आज का, फर्स्ट क्वेश्चन, जिंक प्लस कॉपर प्लस टू, ठीक है, ये इंटर कन्वर्ट हो रहा है बेटा, कॉपर प्लस जेड एन प्लस, ठीक है बेटा। आपको यहाँ पे जिंक के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, तो जिंक का मतलब बेटा ये सॉलिड है, ठीक है। आयन से तो एक्वस फेज में होगा, है ना, ये आपका सॉलिड है और यहाँ पे ये एक्वस फेज में होगा, ठीक। फिर इसने बोला है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज इंक्रीजेस टू 100 टाइम्स, इंक्रीजेस टू 100 टाइम्स, ठीक है, यस। फिर उसने बोला है एंड द सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज डाइल्यूटेड, ठीक से क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है। हम वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इज डाइल्यूटेड, ठीक है, डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इसे मिलता जुलता किया था, लेकिन वहां पे ना मैंने आपको इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू दे रखी, इलेक्ट्रोड्स के बारे में बताया था। यहाँ पे उसने पता क्या बोला है कि बच्चों क्वेश्चन में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और उसने बोला है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स वो इंक्रीज कर रहा है बच्चों 100 टाइम्स, ना, क्वेश्चन को समझो। फिर उसने बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, भाई पॉजिटिव वाले में क्या बोला है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 100 टाइम इंक्रीज करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बारे में क्या बोल रहा है कि वो डायल्यूटेड हो रहा है, ठीक है, डायल्यूटेड टू 10 टाइम्स। बात समझ में आ गई। देन न्यू ई सेल, देन न्यू ई सेल विल बी, आपको पहचाना पड़ेगा कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा है ना। द न्यू ई सेल विल बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, है ना, वो आपको बताना है, बाय एन डैश डैश डैश, ठीक है, मिली वोल्ट, है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे तो आपको दिया ही नहीं गया है कि भाई कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है, तो पता ही नहीं है, ठीक है भाई कोई, हाँ, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, एनोड पे क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, आपको अच्छे से पता है ना, कोई सा भी केस हो सेल का, एनोड पे ऑक्सीडेशन कैसा होता है, वो नेगेटिव। कैथोड के बारे में बच्चों बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही, वहां पे मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सेम टर्म जो है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने बोला है जिंक और कॉपर, तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जल्दी से, जिंक यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है +2, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही, वो एनोड को डिफाइन करेगा। और गिवन रिएक्शन के अंदर आप देखो तो कॉपर +2 से क्या जा रहा है 0, भाई +2 से 0 जा रहा है रिडक्शन, तो ये रिडक्शन को डिफाइन करेगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैं एनोड किसका बनाऊंगा बच्चों, जिंक का, जिंक मेटल का, कैथोड किसका बनाऊंगा, कॉपर मेटल का, अब समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा था। तो रिएक्शन ऑलरेडी आपको दे ही रखी है ऊपर, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब आ जाओ सीधा ई सेल पे, तो ई सेल इज इक्वल टू यहाँ पे होगा ई नॉट सेल माइनस में 0.06 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, जिंक जिंक +2 में गया इलेक्ट्रॉन निकाले, दो कॉपर +2 एक्सेप्ट किए कॉपर में चला गया, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉग ऊपर क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट साइड में ये है तो सॉलिड वाली टर्म कैंसिल कर दो, तो ऊपर हो जाएगा Zn +2 कॉफिशियंट 1 है डिवाइड बाय, नीचे हो जाएगा आपका कॉपर +2 से कॉफिशियंट 1 है, इतना समझ में आ गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बताया था पहले भी, जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है तो क्या मान लो दोनों का यूनिटी, इसका भी 1 मान लो और इसका भी 1 ले लो, तो लॉग 1 की वैल्यू 0, ये टर्म फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपका इवन सेल हो जाएगा, इवन सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल। ये कितने बच्चों को समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो गया,
ऐसा समझ में आ गया, अब तो कुछ नहीं है, अब आपको फाइनल निकालना था ई टू सेल। तो ई टू सेल जब लिखते हैं ना हम लोग, तो ई टू सेल की जगह बच्चों यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला तो वही लगाने वाले हैं ना, ई टू सेल में ई नॉट सेल माइनस में 0.06 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 करना पड़ेगा अभी भी, तो वो आपका हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा 0.03 बच्चे का 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सीधा मैं लिखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ई नॉट सेल आएगा उसको रिप्लेस कर दो ई वन सेल से, तो ई वन सेल आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा, माइनस 0.03 और यहाँ पे लॉग होगा, लॉग के साथ बच्चों ऊपर वाला टर्म क्या होगा 1/10, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, है ना, 10 टाइम्स ये लिखा है 1/10 डिवाइड बाई नीचे क्या होगा 100, बस लॉग का ही टर्म होगा, इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा आंसर बन जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों, 1000 हो जाएगा ये, अब वो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लॉग 10 जीरो होती है नहीं, लॉग 10 1 होता है, वो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, वो प्लस में हो जाएगा, तो इवन सेल और ये प्लस में हो जाएगा 0.09, ठीक है। ये तो वोल्ट में आएगा, अगर मिली वोल्ट में उसने पूछा यहाँ पे तो फिर क्या करना होगा, तो बेटा इसको चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से फिर हमारा आंसर क्या होगा, अगर ये तो सिर्फ वोल्ट का आंसर है, अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो बेटा आपकी डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करेगी, कितने से इंक्रीज करेगी 0.09 वोल्ट से, तो उसको हम मिली वोल्ट में बदल सकते हैं, 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ समझ में आया, अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। तो जैसा बच्चों इसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन सेल, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही टाइप है, लेकिन इस सेल के अंदर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है वो समझना पड़ेगा, क्या मैं यहां पे लिखता हूं, द सेल इन विच इन भाई दो बीकर होंगे ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है टू बीकर होते हैं, द सेल इन विच इन बोथ बीकर द इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन आर आइडेंटिकल का मतलब बच्चों सेम, आइडेंटिकल का मतलब क्या सेम है ना, दोनों चीजें आपकी सेम होंगी, तो उसको हम बोल सकते हैं नॉन एज कॉन्सेंट्रेशन सेल। मतलब क्या है, मतलब बच्चों समझ में आपको आया होगा कि भाई एक ऐसी सेल जिसमें बच्चों क्या हो कि जो दो बीकर लिए जाएंगे, दोनों बीकर के अंदर इलेक्ट्रोड एज वेल एज जो सॉल्यूशन फिल किया जाएगा वो दोनों बच्चों कैसे हो, आइडेंटिकल। मतलब जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा, मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से बोलूँ आपको समझ में आएगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन सेल में जिस मेटल का बच्चों इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड वाला सेक्शन या एनोड वाला सेक्शन, तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसी मेटल का सल्फेट सॉल्यूशन या जो भी नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसी मेटल का आपको सेम मेटल का सॉल्यूशन आपको बीकर में लेना पड़ेगा, समझ में आ गया दोनों साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। जैसे देखो मैं रिप्रेजेंट करूं, यस देखो मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जैसे बीच में सॉल्ट ब्रिज है, बिकॉज ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो बीच में सॉल्ट ब्रिज होगा, तो यहाँ बच्चों जिंक, जिंक से Zn+2 ये आपका सॉलिड होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, बीच में बच्चों सॉल्ट ब्रिज यूज किया है, यहाँ पे आपका Zn+2 और ये भी आपका जिंक है ना, ये आपका सॉलिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों C2 है, बिकॉज नाम बच्चों क्या है कॉन्सेंट्रेशन सेल, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका डिफरेंट हो सकता है जो आप सोल्यूशन यहाँ पे लोगे, ये बात समझ में आ रही है। तो दिस इज ए पर्टिकुलर टाइप, अब आप यहाँ पे देखो कि लेफ्ट साइड क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा, आप चेक करके देख लो, थोड़ा यहाँ पे जिंक क्या है जीरो, तो जीरो से क्या है बच्चों +2 में हुआ ना ऑक्सीडेशन, यस यही एनोड होगा नेगेटिव होगा, देखो बेटा +2 से जीरो हुआ है मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ये कैसा होगा पॉजिटिव होगा, सभी को बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान क्लियर, और इसी को बेटा कैथोड का फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, ये सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अच्छा अब इसके बाद मैं और भी एग्जाम्पल लेता हूँ आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, जैसे मैंने लिखा है बच्चों जिंक, ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक सल्फेट के अंदर
और फिर मैंने यहाँ पे लिया बच्चों जिंक के साथ मैंने लिया है क्लोरीन और यहाँ लिया मैंने जिंक। तो ध्यान से बताना क्या ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या ये आपकी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप मुझे बताओ क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल को रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी बताओ मुझे। यहाँ पे क्या है, जिंक क्या है बच्चों, जीरो। यहाँ पे जिंक क्या है, प्लस टू की स्टेट में है, ये सॉल्यूशन है, ये आपका इलेक्ट्रोड है जिंक। तो हो क्या रहा है, जीरो से प्लस टू, मतलब यहाँ से चेंज प्लस टू, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर बच्चों ऑक्सीडेशन हुआ तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका एनोड है, और एनोड का मतलब यहाँ पे आपका नेगेटिव, बिल्कुल सही। लॉन यूज करते हैं, बीच में सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ जेडन प्लस टू है, यहाँ बच्चों जिंक है, तो प्लस टू से क्या हो रहा है, जीरो में चेंज, तो मतलब यहाँ से आपका रिडक्शन, ये कैथोड, और बच्चों ये आपका पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर यहाँ तो आपने सल्फेट सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे आपने क्लोराइड ले लिया है। तो बच्चों प्लीज ध्यान रखना कि जो नेगेटिव पार्ट होगा ना, जो नेगेटिव पार्ट होगा, इसको बदलने से कोई मतलब नहीं है, इसको आप बदल दो कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन जो आपको जेडन प्लस टू यहाँ पे मिल रहा है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड के अंदर भी जेडन प्लस टू ही मिलना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब ये कि जो जिंक है वो जेडन प्लस टू में जा रहा है, तो जेडन जेडन प्लस टू भी जिंक में जाना चाहिए। वट एवर नेगेटिव आइन, नेगेटिव आइन की आप कोई भी पोजिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चार्ज आपका सेम होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत सही, क्लियर हो गया। तो एक बार तो ये कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पे होता है कि सर गलती से किसी एग्जामिनर ने सल्फेट दे दिया, यहाँ पे क्लोरीन दे दी, तो वो देखते ही फिर रुक जाते हैं यार, कॉन्सेंट्रेशन सेल लग रही है लेकिन बट है नहीं है, क्योंकि यहाँ सल्फेट है यहाँ पे क्लोरीन है, इसलिए वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो नो डाउट बड़ा, ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन सेल है, और इसके क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल नष्ट इक्वेशन से ही सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने अभी तक कर रहे हो, ठीक है। बट कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कैथोड एनोड दोनों इलेक्ट्रोड बच्चों सेम होते हैं, ये बात ध्यान रखें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दूँ, एच टू से कन्वर्ट हुआ एच प्लस में, बीच में सॉल्ट ब्रिज, यहाँ एच प्लस, यहाँ पे एच टू, ठीक है। ध्यान से देखो आप, क्या ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन सेल को रिप्रेजेंट करेगा, बताओ मुझे। ने और दो बेटा एग्जाम्पल, एच टू के साथ एच सी एल, बीच में सॉल्ट ब्रिज, यहाँ लिखा है मैंने एच टू एस ओ फोर, यहाँ लिखा है मैंने एच टू, बताओ मुझे क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे गलतियां होती हैं बच्चों, आराम से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो बच्चों यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, अब ध्यान से पहचानो। ये बड़ा क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कितना है प्लस वन, जीरो से प्लस वन मतलब ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो मतलब ये एनोड, कैसा होगा बच्चों नेगेटिव, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस वन, प्लस वन से क्या जीरो, तो आपका रडक क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, रडक्शन हो रहा है, रडक्शन का मतलब कैथोड, कैथोड का मतलब पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। और दोनों तरफ इलेक्ट्रोड बेटा आपके बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना, एसिडिक मीडियम, तो आपका ये कॉन्सेंट्रेशन सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज दोनों क्या है आपके सेम है, ठीक है। यस, सेकंड वाले में देखो, तो सेकंड वाले में मैंने बोला था कि नेगेटिव आयन से मतलब नहीं है अपन को, वो तो हम बाद में बैलेंस कर लेते हैं, तो नेगेटिव आयन से मतलब नहीं है। वो क्या रहा है, आपको यहाँ से क्या मिलेगा एच प्लस, यहाँ से आपको क्या मिलेगा टू एच प्लस आयन मिलेगा, वो तो बैलेंसिंग बाद में हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बैलेंसिंग तो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एच प्लस से एच टू में जा रहा है, और यहाँ एच टू से एच प्लस में जा रहा है, तो क्या देख रहे हैं आपको, यहाँ तो बच्चों आपका जीरो ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ पे प्लस वन, तो ये देखो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा एनोड, और ये कैसा होगा नेगेटिव, और यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन। इसकी बात करें तो यहाँ पे प्लस वन, प्लस वन से क्या हो रहा है जीरो, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब बच्चों कैथोड, और कैथोड का मतलब आपका पॉजिटिव। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल था, कॉन्सेंट्रेशन सेल समझ में आ गई, क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल ले हम लोग। चलो जैसे एक और भी रिप्रेजेंटेशन दूंगी, और जेई एडवांस के अंदर मैं ध्यान आपको देता हूँ थोड़ा, जेई एडवांस ने क्या चालूगिरी करी बच्चों के साथ, उसने पता है कैसे बोला कॉन्सेंट्रेशन, उसने दिया था जिंक, जेन उसने दिया था जेड एन प्लस टू, और फिर लिखा था उसने जिंक, इस तरीके से उसने लिख के दिया था, इस तरीके से। ये आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है इस तरीके से, कॉन्सेंट्रेशन सेल पे 2017 के अंदर, पहले भी चीजें रिपीट हुई हैं, है ना, ए ट्रिपली वगैरह में, उसने इस तरीके से लिख के दिया था। आप जरा इमेजिन करो, आपको दिमाग ही घूम जाएगा, आप सोचोगे सर यहाँ सॉल्ट ब्रिज भी नहीं है, दूसरा यहाँ पे आपके तीन चीजें रखी हैं, जिंक, जेडन प्लस टू एंड जिंक, बच्चो
इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन भी आपके कॉन्सेंट्रेशन सेल को ही रिप्रेजेंट करता है। अब बोलोगे सर कैसे, भाई जो जेड एन प्लस टू होता है, जो आपका सॉल्यूशन होता है, जो आपका एक्वा सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन तो बच्चों दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है भाई, वहां तो जेड एन प्लस टू मिलेगा ना भाई। नेगेटिव पार्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब सिंपल से कह रहा है ये था कि जिंक से जेड एन प्लस टू में जा रहा है या जेड एन प्लस टू से जिंक में जा रहा है, उसका मतलब ये था, कंटिन्यूस था, ठीक है। तो यहाँ से आप रिएक्शन लिख जाए तो बेटा जिंक से क्या जा रहा है, जेड एन प्लस टू के जा रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या हो रहा है, जेड एन प्लस टू से जिंक में जा रहा है। आपको इस तरीके से समझना होगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब कि ये आपका यहाँ से सॉलिड है, यहाँ से ये एक्वस पार्ट है, सॉल्यूशन है, यहाँ से ये एक्वस सॉल्यूशन पार्ट है, यहाँ से आपका सॉलिड है। आप देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो से प्लस टू मतलब ऑक्सीडेशन, प्लस टू से जीरो आपका रिडक्शन, समझ में आ गया। तो इस टाइप का जो एक्सप्लेनेशन है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, वो बच्चों बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन सेल को ही रिप्रेजेंट करता है। आ गया समझ में, पूरा क्लियर हो गया? तो इतनी भी चालाकी कर सकते हैं, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, जब भी बच्चों हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब भी हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन को ही फॉलो करना है, एन ई आर एन ई एस टी, नेक्स्ट इक्वेशन को ही आपको एज इट इज फॉलो करना है, जिसको हम लोग बार बार फॉलो कर रहे थे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने, रिप्रेजेंटेशन दे दिया बच्चों, यहां से कॉपर Cu प्लस टू, सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस टू एंड कॉपर, ठीक, बिल्कुल सिंपल। इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 था, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है, बाकी बच्चों उसने कुछ भी नहीं रखा। और उसने नीचे यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, अबव सेल इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इफ आपको ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है C1 ग्रेटर देन C2, सेकेंड ऑप्शन है C2 ग्रेटर देन C1, थर्ड ऑप्शन है C1 इज इक्वल टू C2, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है संदेश, आपने पूछा था इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में उसने एक तो रिप्रेजेंटेशन दे दिया बच्चों, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सर यहाँ जीरो से प्लस टू में गया ये ऑक्सीडेशन, यहाँ प्लस टू से जीरो में गया ये रिडक्शन। उसने बोला है कि जो एबव सेल रिएक्शन दे रखी है, जो सेल है ना, वो स्पॉन्टेनियस है, वो स्पॉन्टेनियस है उसने बोला है, लेकिन किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी जब वो स्पॉन्टेनियस होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहा करो ट्राई करो। तो देखो देखो क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं, है ना, बिल्कुल जिस तरीके से बता रहा हूँ मैं, एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, बिल्कुल आराम से सॉल्यूशन फोकस करते हैं बच्चों। आपको क्या समझ में आ रहा है जल्दी से बताओ मुझे। सर मुझे यहाँ पे तो हाँ मैं ऑप्शन देखूंगा अभी, बिल्कुल पॉजिटिव अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो पहले सॉल्यूशन थोड़ा फोकस करते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, कॉपर प्लस टू प्लस कॉपर कन्वर्जन बच्चों यू प्लस टू एंड आपका कॉपर। मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किसको बोलो, रिडक्शन, भाई ये वाला सेक्शन ऑक्सीडेशन है तो Cu से Cu प्लस टू में जा रहा है, तो Cu से Cu प्लस टू मतलब ये वाला सेक्शन, ये बेटा क्या होगा C1, समझ लो ध्यान से, और ये क्या होगा C2। अभी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ये बताओ C1 C2 पहचानना आ रहा है भाई, सॉलिड पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएंगे, सॉलिड तो कॉपर कैंसिल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ से जरा ई सेल लिखो, लिखो जल्दी से ई सेल, तो ई सेल इज इक्वल टू, बहुत से बच्चे इसमें तुक्कागिरी करते हैं ना ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन छोटी सी गलती हो जाती है, 0.06 डिवाइड बाई ट्रांसफर्स बच्चों टू है, देख लो दो का ही ट्रांसफर हो रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। लॉग ऊपर क्या आएगा, सी यू प्लस टू तो सी वन, ऊपर सी वन हो जाएगा नीचे सी टू हो जाएगा, अब बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब मुझे बताओ कौन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सी वन सी टू के टर्म में दे रखे हैं, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और आपको पता है कि अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो ई सेल हमारा कैसा होना चाहिए बच्चों, ई सेल, ई सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ई सेल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो मुझे बताओ इस इक्वेशन को देखने से कि ई सेल पॉजिटिव कैसे आएगा, ई सेल पॉजिटिव जब ये वाला जो नेगेटिव है इसको तो फिनिश करना पड़ेगा ना, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, इसको तो खत्म करना पड़ेगा, तो खत्म कैसे किया जाए बताओ मुझे, ये टर्म अगर आप निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 0.03 मैं यहाँ पे लिख दूं, माइनस में 0.03 लॉग C1 डिवाइड बाई C2, भाई इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, अब ई सेल मुझे पॉजिटिव चाहिए हर हालत में, तो पॉजिटिव मैं कैसे करूँ भाई, इस नेगेटिव को खत्म करना पड़ेगा, तो C2 की वैल्यू क्या हो, C1 से अधिक हो जाए, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव टर्म सामने आएगा वो फिनिश हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको ये समझ आया कि C2 की जो वैल्यू है वो आपकी C1 से अधिक होनी चाहिए, तभी आपका जो ई सेल है वो पॉजिटिव आ सकता है, समझ में आ गया।
हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी टू ग्रेटर देन, सी टू ज्यादा होना चाहिए सी वन से, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें देखो मैं थोड़ा आपकी हेल्प करता हूँ कैलकुलेशन को लेकर, कुछ बच्चों को कैलकुलेशन से डर लगता है, मैं कैलकुलेशन आपको और आसान करता हूँ, इजी ट्रिक बताता हूँ। आपको पता है ना कि लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। लॉग टेन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? वन। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव में ही आती है वन, ठीक है, पॉजिटिव में आती है ना। समझ लो कैलकुलेशन करने का तरीका बस सिखा लूँ आपको यहाँ पे मैं। लॉग टू की बात करते हैं तो 0.3 आती है, ये भी कैसी आती है? पॉजिटिव में। मैं पूछूं लॉग वन बाई टेन की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर वन आएगी लेकिन नेगेटिव में आएगी, निकालो। नेगेटिव में आएगी ना, अरे नेगेटिव टर्म आएगा ना। इसी तरीके से मैं अगर बोलूं लॉग एक्स, ध्यान दो मैंने बोला लॉग एक्स, तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे ग्रेटर देन वन होगी, एक्स की वैल्यू एक से अधिक होगी, तो टर्म बच्चों कैसा आएगा? पॉजिटिव में आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन वन होती है, मतलब वहां पे क्या आएगा? नेगेटिव में निकल के आएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो हमने क्या लिया था? सी वन डिवाइड बाई सी टू। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अरे सी वन बाई सी टू था हमारा, तो उसको मैं अगर लेस देन वन लेके जाऊंगा तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, तो जरा इसको देखेंगे तो सी वन क्या होगा? लेस देन सी टू। आप यहाँ पे वन ले सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यही तो आपका टर्म निकल के आ रहा था। अरे हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, ये तो आ रहा था, क्लियर। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन वन तो उस केस में पॉजिटिव, लेस देन वन तो नेगेटिव। लॉग के टर्म को बता दिया मैंने, क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन ले हम लोग अगला, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ध्यान से करना सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H2 इससे बच्चों H+ में कन्वर्ट हुआ है, सॉल्ट ब्रिज H+ H2 में कन्वर्ट हुआ है। अब मैं ले रहा हूँ बच्चों प्रेशर को यहाँ पे, है ना, ध्यान से सॉल्व करना। मैंने बोला है कि H2 का प्रेशर आपका P1 है, यहाँ H2 का प्रेशर आपका P2 है, ध्यान से सॉल्व करना। इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसने बोला कि सेल इज स्पॉन्टेनियस, क्वेश्चन वैसा ही है, सेल विल बी स्पॉन्टेनियस इफ, ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन आपको दे रखे हैं पी वन इज इक्वल टू पी टू, सेकेंड ऑप्शन आपका है पी वन ग्रेटर देन पी टू, थर्ड ऑप्शन आपका है पी टू ग्रेटर देन पी वन, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप कर पाओगे बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन क्या है? अच्छा पी वन ग्रेटर देन पी टू, अच्छा ये क्या है? बी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें ना, इसमें जो भी गिवन इक्वेशन है उसको आप ध्यान से पहचानो क्या दे रखा है। भाई जीरो से प्लस टू, जीरो से प्लस वन जा रहा है ऑक्सीडेशन, प्लस वन से जीरो आपका रिडक्शन, तो सेल रिएक्शन पहले लिख लो बैलेंसिंग करके। मैं बैलेंसिंग करके लिख रहा हूँ आपको, टू एच प्लस साइन यहाँ से एच टू, यहाँ से आपका टू एच प्लस साइन, यहाँ से आपका एच टू। बस ध्यान देना कि पी वन पी टू किधर लिखा जाए। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई ये तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, तो इसको ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर हो रहा है? जीरो से, हाँ जीरो से जा रहा है ना प्लस वन में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये एच टू दिख रहा है, ये टू एच प्लस दिख रहा है, तो प्रेशर बच्चों पी वन कहाँ पे आएगा? इसकी वैल्यू पी वन, ऐसा नहीं कि इसकी इस एच टू की वैल्यू पी वन कर देना, इधर पी वन होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका पी टू होगा। बाकी इसका कॉन्सेंट्रेशन इसका भी सी, तो आपको पता है कि दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो इसको पहले से ही कैंसिल कर दो, लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो प्रेशर के टर्म में है, तो कॉन्सेंट्रेशन को पहले फिनिश कर दो, मतलब ही नहीं उनसे। तो फिर ई सेल लिख लो क्वेश्चन, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई टू हो जाएगा लॉग, ये आपका पी टू ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई नीचे पी वन। अब मुझे बताओ, मैंने बोला कि सेल हमारी स्पॉन्टेनियस है, तो मतलब ई सेल पॉजिटिव है, तो ई सेल कैसा है? पॉजिटिव। ई सेल अगर पॉजिटिव है तो मुझे निगेटिव को फिनिश करना पड़ेगा, अभी कैलकुलेशन आपको बताई थी मैंने कैसे कर रही है, जल्दी से बताओ मुझे कौन सी वैल्यू पड़ी। तो बेटा नीचे पी टू है, ऊपर पी वन है, तो पी टू आपका होना चाहिए बड़ा एज कम्पेयर टू, सॉरी पी वन, नीचे पी वन है ना, यस, तो पी वन आपका बदला होना चाहिए पी टू से, तो डेफिनेटली आपका जो सेल होगा बच्चों वो स्पॉन्टेनियस होगा, जहां पे ई सेल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। आ गया ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, लग रहा होगा तो सिंपल बिल्कुल, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान दो क्वेश्चन बच्चों, एम एन से कन्वर्ट हो रहा है एम एन प्लस टू के अंदर, देन यहाँ पे है एम एन प्लस टू से एम एन में कन्वर्जन, ध्यान देना ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यस। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने दिया है एम एन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे
टेन की पावर माइनस टू कैपिटल है, यहाँ दिया है बच्चों टेन की पावर माइनस थ्री कैपिटल है, और फिर उसने पूछा यहाँ पे ई सेल, ई सेल क्या होगी। उसने ये भी हिंट किया है कि जो इस जो हमारी सेल है वो बच्चों स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये भी उसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एक कि जो सेल इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। सॉल से जो सेल है आपकी वो स्पॉन्टेनियस है कि आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बताओ कैसे क्या है इन्फॉर्मेशन, मैं सिर्फ से बोलूँ आपको। ओके देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आपको मैं पूरा इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना, सभी बच्चों को समझ में आए। ठीक है देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बड़ा ये क्या है, जीरो से प्लस टू, हम सारे क्वेश्चन एक जैसे ही कर रहे हैं, एक तरीके से ही कर रहे हैं। होता क्या है ना कि बहुत सारे नई ट्रिक बीच में लेके आ जाते हैं और बताने लगते हैं, पहली ट्रिक काम ही नहीं कर रही है, कुछ ऐसे काम कर रही है, कंफ्यूजन में एक ही ट्रिक पे काम करूंगा, एक ही फॉर्मूले पे काम करूंगा, सारे आंसर निकाल के दूंगा आप, ठीक है। यस तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन जीरो से प्लस टू, प्लस टू से जीरो आपका एडक्शन, मतलब ये कैथोड, यहाँ पे आपका कैथोड का मतलब बच्चों पॉजिटिव, ठीक है, एडक्शन हो ही रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन है मतलब ये एनोड, यहाँ पे नेगेटिव। हम अभी तक वही कर रहे हैं बार बार जो हमने स्टार्टिंग से करते आए, ठीक है बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज को सही से लिखना पड़ेगा, तो पहले सेलेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो एम एन प्लस टू प्लस एम एन कन्वर्ट हो रहा है एम एन प्लस टू प्लस एम एन में, लिख लो बस। सेलेक्शन में ध्यान देना कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इस एम एन से एम एन प्लस टू में जाना, तो ऑक्सीडेशन इसका यहाँ पे हो रहा था, तो दैट्स व्हाई इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, टैंक पर माइनस थ्री नहीं माइनस टू होगा, ये बात ध्यान रखना। ये सॉलिड सॉलिड कैंसिल हो जाएंगे, फिर इसका बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन टैंक पर माइनस थ्री मिल गया, बस ई सेल लगा लो सीधा। तो ई सेल इज इक्वल टू हो गया आपका यहाँ से ई नॉट सेल माइनस में 0.06 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, उसको आप 0.03 लिख सकते हो आप, ठीक है शॉर्ट में 0.03। फिर यहाँ पे लॉग आ जाएगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा 10 की पावर माइनस 2, ये ऊपर डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 3, इसे सॉल्व करो जरा, 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 3, क्या आंसर आएगा, 10 निकल के आ जाएगा, देख लो आप लॉग 10 आ जाएगा सीधा, इसको सॉल्व करो यहाँ से 10 आ जाएगा भाई, ऊपर लेके जाओ तो 10 पावर 3 हो जाएगी और सॉल्व करो तो आपका 10 आ जाएगा, आ गया 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये फिनिश हो गया, बचा कितना है सिर्फ, बचेगा अच्छा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से ये भी तो है कि ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो बच्चों प्लीज ध्यान देना, ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे मैं कितनी लूँ, क्वेश्चन में कुछ भी गेपिंग नहीं है, ठीक है, हम पॉजिटिव लें ई नॉट सेल, नेगेटिव लें, भाई ई सेल आपका पॉजिटिव आना चाहिए अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो, लेकिन मुझसे तो पूछा है उसने कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ई सेल तो बताना पड़ेगा ना। तो ऐसे केस में आपको पता चल रहा है कि जहाँ पे एम एन से एम एन प्लस टू में जा रहा है, ठीक है, और एम एन प्लस टू से एम एन में जा रहा है, इलेक्ट्रोड भी सेम है, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। और कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बच्चों जो हम ई नॉट सेल निकालते हैं तो वहाँ पे लेते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन भी सेम है और वहाँ पे आपका कैथोड भी सेम है, एनोड भी सेम मेटल का है, तो दोनों की वैल्यू कैथोड एनोड की जो आपके रिडक्शन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का होगा, उसकी वैल्यू हो जाती है इक्वल। जब इक्वल हो जाती है तो बेटा वो कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से ई नॉट सेल की वैल्यू आती है जीरो, ऑलवेज हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा जीरो आती है, ऑलवेज जीरो आती है। तो इस केस में वैल्यू तो आपकी सीधी हो गई यहाँ से जीरो, इधर माइनस में 0.03, ये तो देखेगा आप जरा देखो तो नेगेटिव में टर्म आ गया भाई, इसको माइनस तो नेगेटिव में आएगा, तो ई सेल की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव में, अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो सेल बच्चों हमारी कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और ई सेल कैसा होगा जल्दी बताओ, ई सेल की वैल्यू सामने है माइनस में 0.03, ठीक है समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक भी इस क्वेश्चन था। ओके अगर ये क्वेश्चन कर लिया है तो अगला क्वेश्चन करके नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। यस क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ध्यान से देखो बेटा, H2 से H+ में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे H+ है, यहाँ पे H2 है, इसका H2 के बारे में दे रखा है भाई गैस है ये, तो गैस का प्रेशर होता है, दे रखा है 0.1 atm, ठीक है atm,
और इस एच प्लस के लिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, इसका पीएच दे रखा है उसने 2। देखो क्वेश्चन कैसे बनाया है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, ये एच प्लस है तो यहाँ पे इसकी पीएच वैल्यू दे रखी है 4। ये H2 गैस है तो जिसका आपको प्रेशर है 0.01 atm। देखना क्वेश्चन कितना अच्छा बनेगा, आपको निकालना है इन सभी गिवन इंफॉर्मेशन पे ई सेल की वैल्यू, और बताना है कि सेल आपकी स्पॉन्टेनियस है कि बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस है। समझ में आ गया, करो सॉल्व कैसे किया जाएगा। यस क्वेश्चन तो आसान है बिल्कुल, बनना चाहिए। अब तो देखो तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चेक करो ना, 0 से +1 ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चों यहाँ पे एनोड, एनोड का मतलब आपका नेगेटिव, यहाँ +1 से हुआ है 0, तो ये हुआ आपका रिडक्शन, इसका मतलब कैथोड और इसका मतलब पॉजिटिव। सेल इक्वेशन लिखो, सेल इक्वेशन में आ जाएगा आपका 2H+ एंड यहाँ से आपका H2 कन्वर्ट होगा 2H+ के अंदर एंड आपका H2 ना। ई सेल की वैल्यू भी बताना है आपको, तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 से H+, H2 से H+ मतलब ये H2 से H+ इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो हर किसी की वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, H2 की 0.1 atm, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, इसका पीएच दे रखा है इसने, और इसका पीएच दे रखा है 2। 2 का मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो निकालो जरा, पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीएच इक्वल टू होता है -log H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन। पीएच कितना दे रखा है 2, H+ की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, टैंक पर -2 एंटी लॉग लगे ना, अरे H+ निकालना है तो टैंक पर -2 हो जाएगा, ये आपको लॉजिक याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। पीएच निकालने का ये फॉर्मूला था, पीएच इक्वल टू -log H+ है, इसको हम लोग बहुत पहले भी पढ़ते हैं 10th और 9th क्लास के अंदर। तो यहाँ से अगर आपको H+ की वैल्यू निकालनी है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग का टर्म क्या होता है, तो भाई पीएच की जगह आपको क्या रखना है, जो वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है 2, यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा, बट लेकिन 10 की पावर में, तो H+ की वैल्यू 10^-2 बन जाएगी। ये बात समझ में आती है सभी को, 10^-2 कैपिटल M मोलरिटी में, यहाँ क्लियर हुआ। यस इसके बाद इस H+ की बात करेंगे, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। यस देखो 4 देख रखा है ना, या 4 रखेंगे तो ये 10^, ये -4 में हो जाएगा मोलरिटी में, और ये H2 की वैल्यू कितनी है, H2 प्रेशर में, इसको लिख सकते हैं 10^-2 atm। ये समझ में आ गया किस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखे। बिल्कुल तो फिर निकालते हैं यहां से, अब तो निकल जाएगा। अब ई सेल का फॉर्मूला ले लो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.06/2, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये 0.03 लिख लो सीधा, ठीक है। बाकी आपका लॉग आ जाएगा, ऊपर क्या होगा बताओ मुझे, H2 होगा, मतलब ये वाला H2 होगा, ये H+ है उसकी पावर 2 होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी, 10^-2, 10^-2 इसकी होल स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 10^-2 भी होगा, डिवाइड बाई नीचे जो रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड है, इसको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10^-4 की पावर 2, बिकॉज कॉफिशियंट 2 है, तो 10^-4 इसकी पावर 2, ब्रैकेट में 10 की पावर कितना, -1 लिख लें, 0.1 को लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लो सीधा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 -4 वो -2 है, तो -6 हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर वाला टर्म तो -6 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला क्या होगा, 4 × 2 = 8, -8 और 1 - 9, तो ऊपर आपका बनेगा, मैं सीधा लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा 10^-6, नीचे 10^-9, भाई पावर के ऊपर पावर है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक। अच्छा तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 10^-6, नीचे 10^-9, ये हो गया, क्लियर हो गया। चलो इसको सॉल्व तो करो जरा, यहाँ से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा है ना, -3 3, अरे क्या मिलेगा, 3 आएगा ना, ऊपर 10^-6 है, नीचे 10^-, ऊपर आपका +n हो जाएगा, यही तो बनेगा 10^-6, डिवीजन हो रहा है तो वैसे हम करेंगे उसी ढंग से, है ना, तो आप पावर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो कितना जाएगा, 0.0, मतलब ये सीधा यहाँ से अगर मैं लिखूँ इसको कंक्लूड करके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये तो वैल्यू आपकी 0, बिकॉज भाई कॉन्सेंट्रेशन सेल है, देखो है ना, कैथोड एनोड सेम है, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी दोनों साइड सेम है,
तो ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलवेज जीरो मैंने बोली थी, तो ये तो आपका हो जाएगा जीरो और माइनस में हो जाएगा कितना 0.09, है ना, वोल्ट में होगा। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो माइनस में 0.09 वोल्ट आएगा, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, और नेगेटिव आने का मतलब स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ई सेल आपका कैसा आ गया है नेगेटिव, अगर ई सेल अगर नेगेटिव आता है तो हमारी सेल कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। कैसे क्वेश्चन आते हैं, हो जाएगा सभी सॉल्व, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे H2 से, इसको ये होमवर्क देता हूँ आप ट्राई करना, ठीक है। और इसका बेटा यहाँ कन्वर्जन हो रहा है H+, ये आपका H2, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे दे रखी है। यस, H2 का प्रेशर है P1, बिकॉज गैस होती है तो प्रेशर के बिन होगा। H+ आयन है, C1 सी कॉन्सेंट्रेशन, इसका भी सी कॉन्सेंट्रेशन, इसका आपका P2 प्रेशर। इसने पूछा है ई सेल, ठीक है, ई सेल क्या होगी, और उसने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है RT डिवाइड बाई F LN P1 डिवाइड बाई P2, ठीक है, आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन हो। सेकेंड ऑप्शन है RT डिवाइड बाई 2F LN P1 डिवाइड बाई P2, ये सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो उसने दे रखा है RT डिवाइड बाई F, और यहाँ पे हुई आपका LN। नेचुरल लॉग की बात करते हैं, ऊपर है P2 डिवाइड बाई P1, और डी ऑप्शन है आपका RT डिवाइड बाई 2F LN P2 डिवाइड बाई P1, ये चार ऑप्शंस उसने दे रखे हैं। तो चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, इसको टिक करना, होमवर्क मैंने आपको दिया है। बी ऑप्शन, ओके, बी ऑप्शन कर भी लिया है, यस डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ आपसे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। संदेश, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बी ऑप्शन, अगर बी ऑप्शन नहीं आता है तो मैं आपको जरूर यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, कर पाओगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, ये आपका एक रिलेशन होगा, अगर आप सही से सॉल्व करोगे ना तो ये रिलेशन पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए रिलेशन आपको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, बहुत बार सीधा सॉल्व हो जाता है, हो जाएगा सॉल्व। यस, ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे फिनिश। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हाफ सेल रिएक्शन।